स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी बात शिवानी। दोस्तों, आपने रोमियो जूलियट की कहानी तो बहुत सुनी होगी, राजा मजनू, रोमियो जूलियट। आपने बरसों से पुराने प्यार के किस्से सुने होंगे। पहले लोग प्यार करते थे तो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये होता था प्यार मोहब्बत, ये होता था कि इतना परिवार पर होता था कि आदमी एक दूसरे के लिए जान भी दे देता था। लेकिन आजकल का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है दोस्तों। और मैं एक बात उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ जो लड़कियाँ सोचती हैं कि मैं बहुत सुंदर सा लड़का हमको प्यार, हाँ। वो लड़की अगर ये सोचती है कि उसकी सुंदरता देख के कोई लड़का उसको चाहेगा, उससे शादी कर लेगा, उसको उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, तो ये लड़की बहुत गलत सोचती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई आपसे प्यार नहीं है, केवल झूठा प्यार का बहाना है, केवल अपनी भूख को मिटाना है, केवल खाना है उनको, हाँ। केवल लड़कों को खाना है, कोई भी प्यार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि लड़के कभी आपसे रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक उनका फ़ायदा ना हो। फ़ायदा बस एक ही चीज़ का, जो आप अपने आप समझ सकते हैं क्या चीज़ का फ़ायदा होगा। लड़के लड़की से बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो उनसे फिजिकल होना चाहते हैं। लड़की सोचती है मैं इसको किस करूंगी या इसके साथ फिजिकल हो जाऊंगी तो मेरे से शादी कर लेगा। कोई शादी नहीं कर, एक बार जान लो बेटा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, केवल लड़के अपनी भूख मिटाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए किसी की बातों में ना आए, झूठे प्यार के जाल में ना फंसे आप लोग प्लीज इस बात का नोट करिए, झूठे प्यार के जाल में मत फंसिए। आपको बहुत ही ज्यादा गहरी खाई में ले जाएगा, आपको बिल्कुल जो है नरक में धकेल देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गलत आदमी से कोई रिलेशन मत रखो, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। और अपनी सुंदरता को, आप भगवान ने आपको सुंदर बनाया है तो उससे कुछ और, आप उसका सुंदरता जो होता है ना वो अंदर दिल में होता है, ये सुंदरता नहीं होती। सुंदर जो आपको कोई भी जो अच्छा लड़का होगा ना, वो आपको शादी से पहले फिजिकल रिलेशन और किसी तरह का कोई भी संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, आपको अच्छे बुरे की परख देगा, आपको अच्छे बुरे की सीख देगा, आपको बताएगा, समझाएगा, लेकिन कभी आपसे रिलेशन नहीं बनाएगा, फिजिकल रिलेशन शादी से पहले। जो आजकल ये लड़के कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। ये बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। और ये बात जान लीजिए कि मेकअप करने से अगर कोई लड़का आपको, अगर आपकी सुंदर दिखने से कोई लड़का इम्प्रेस हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो एक हवस है, बीमारी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात जान लीजिए, केवल अपने मन की शांति के लिए सब कर रहे हैं। आप कुछ बोलो बाबू। पहले प्यार मत करो, लेकिन पाँच पर पहचान नहीं लड़की कल होता होगा प्यार, लेकिन पहले तात मत करो, छोड़ देगा। दोस्तों, मैं अभी हाल ही में वहाँ गया था, नैनीताल गए थे हम लोग, नैनीताल। वहाँ मैंने कितने कपल देखे जिनका शादी नहीं हुआ था, और इतने खराब खराब कपड़े पहन के आए थे, इतने गंदे गंदे कपड़े पहन के आए थे कि मैं क्या बताऊँ। उसका एक सीन मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, एक सीन इसमें मैं डालूँगा, आप उसको देखिएगा। तो इतने, ये देखिए दोस्तों, इतने गंदे और भद्दे कपड़े पहन रखे थे उस लड़की ने, कितने गंदे कपड़े, टाइट कपड़े पहने थे, तुमको याद है? हाँ। ये देखिएगा, आप इसमें देखिए, एक बैगनी रंग के कपड़े पहने लड़की है, उसके संग एक लड़का है। ये इनकी शादी नहीं हुई है, इनकी शादी नहीं हुई है, फिर भी ये लोग नैनीताल में आ रहे हैं, जैसे कपल्स आते हैं हनीमून मनाने, वैसे नैनीताल में आ रहे हैं, नैनीताल को भी गंदा कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और वहाँ पर भी होटल में जहाँ शादी नहीं हुआ इतने, लेकिन पैसा लेके, हाँ होटल पैसा लेके इन लोग को रहने दिया जा रहा है, होटल से मिल जाता है ऐसे लोग। बिना शादी कपल को तो होटल में अलाउ नहीं होता, तो ये कैसे होटल में कमरा ले रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, दो दो तीन तीन हनीमून मना रहे हैं शादी से पहले। अब बताओ, मान लो उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी तो इज्जत गई, लड़का तुम्हें छोड़ दिया। आजकल अच्छी अच्छी लड़की को तो लोग छोड़ ही नहीं रहे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दोस्तों, मैंने नैनीताल में सबको देखा, एक दो नहीं बहुत लोगों को देखा कि बिना शादी सुना थे, कोई शादी भी नहीं हुई है, और जो है क्या बताया जाए।
है ना कपल। देखिए दोस्तों, और एक बात ये भी देखा मैंने, कोई नहीं पकड़ रहा, कोई बोल नहीं रहा, इतना से कोई नहीं बोल रहा, सब खुश। तो बहुत बुरी चीज देखी मैंने समाज में, केवल लोग ने जैसे चुप, सब चुप है, चुप, कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, जो हो रहा है होने तो, उनको भी अच्छा लग रहा है, लग रहा है। दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज की कुएं में भांग पड़ी है और उसको ले लो बाबू को, कुएं में भांग पड़ी है और एक बात जान लीजिए कि अगर आप सही नहीं हैं तो दुनिया आपको खा चबा जाएगी। इसीलिए समझदार नागरिक बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरी अपनी छोटी छोटी बहनों से हाथ जोड़ के विनती, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको वो आपको चेहरा रूप देख के प्यार कर रहा है, आपकी सुंदरता से उसको प्यार है, लड़का तो देखा ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा, हर जगह लड़का हमेशा हमेशा से एक लड़का। मैं ट्रेन में देखा, हम लोग यहाँ बैठे थे, मैं बैठा था, ये बैठे थे, एक लड़का देखे ऐसे ऐसे कर रहा है, याद है हम तुमको बताए सामने। इतनी गलत लोगों की सोच है, किसी को शर्म नहीं है थोड़ी भी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आप ही बताइए। लड़की औरतों को देख के मास्टरबेशन कर रहा है, बता, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग को मैं क्या करूं, मैं एक से लड़ूंगा, दो से लड़ूंगा, दो को उल्टे से बोलूंगा, किसको कहूंगा। यही आजकल का संस्कार है, क्या कहते हैं आप, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर इस पे इस बात पे राय रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय।